एक प्रश्न है, क्या भगवान का दर्शन पाने की कामना भी कामना है? एक सकाम और निष्काम का जो प्रश्न है उसी प्रकरण में यह प्रश्न किया है। वो दो प्रकार की कामना होती है, पहले समझिए। एक मायिक कामना, एक दिव्य कामना। जीव के अतिरिक्त दो तत्व हैं, एक ब्रह्म एक माया। तो जीव है कामना करने वाला, वो इन दोनों में किसी की कामना करेगा, करना पड़ेगा। क्यों? दोनों की कामना न करें हम? नहीं, इम्पॉसिबल। इसलिए करना पड़ेगा कि एक हमारा रोग है, स्वाभाविक रोग है वो, आनंद पाने का। ये रोग इतना भयानक है कि प्रत्येक क्षण हमको परेशान करता रहता है। आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। कैसे मिले आनंद? कहां मिलेगा? सामने जो दिख रहा है संसार, यही कहीं आनंद है। मां में, बाप में, बेटे में, बीवी में, पति में, संसार की वस्तुओं में ढूंढ रहा है उसी में बेचारा अंधा अज्ञ जीव। तो एक तो ये कामना है, बड़ी लंबी चौड़ी सृष्टि है। आप लोग जो देख रहे हैं ये तो समुद्र की एक बूंद है, जो 200 देशों का वर्तमान काल में ये संसार आप देखते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि। ये तो एक भगवान की सृष्टि का इतना छोटा अंश है कि एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंड मत्यद्भुतान संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। पृथ्वी के धूल के कणों को भी कोई भले ही गिन ले, राज कणों को, लेकिन ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता। और फिर एक ब्रह्मांड भी कितना लंबा चौड़ा है। भू भुआ महाजना तपा सत्य सात लोक, अतल सुतल बितल तलातल महातल रसातल पाताल, 14 लोकों का। हमने अभी वही पूरा नहीं देखा। तो इतना बड़ा संसार, इसकी कामना बड़ी सीधी साधी है, वो प्रत्यक्ष है। इसलिए चंद्र लोक जाए, सूर्य लोक जाए, खोपड़ा लोक जाए, ये माइक जगत में, वहां आनंद होगा। और जो कोई किसी को महापुरुष मिल गया और उसने बोध करा दिया कि इतनी बड़ी सृष्टि में
कहीं आनंद नहीं है, ये तो माया का लोक है। आनंद भगवान में है, गोलोक में है। तो वे लोग उधर को चलते हैं, उसकी कामना बनाते हैं। ये तो एक मोटी बात हो गई। अब तीसरी बात सुनो, भगवान से संसार की कामना पूरी करने की प्लानिंग, बिना भगवान के संसार की कामना करना, ये अलग पॉइंट। और भगवान से संसार की कामना को पूर्ण करने का प्लान, ये आज सारे संसार में 99.9% है। भाग रहे हैं लोग, वैष्णो देवी चलो, तिरुपति मंदिर चलो, वहां चलो, कामना पूरी हो जाएगी। संसार की माइक यानी भगवान के केयर ऑफ संसार की कामना। ये भी गलत। क्यों गलत? इसलिए कि भगवान से आपका संबंध तो हुआ नहीं, और आप मांग रहे हैं, इसलिए यह भी उसी प्रकार है जैसे भगवान को न मानने वाला संसार की कामना करता है, ऐसे ही भगवान को मानने वाला उनसे संसार मांगता है। दोनों बराबर। इन दोनों को संसार प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, अपने आप मिलेगा, वो बिना मांगे मिलेगा। इसीलिए आप लोग देखते हैं एक अंगूठा छाप सेठ अरबपति हो जाता है, और उसके यहां नौकरी करने वाले बड़े बड़े काबिल होते हैं, मिनिस्टर हो जाता है अपड़ गवार, और बड़े बड़े आईएएस उसके यहां सर्वेंट है, वो राय देते हैं ऐसा करो ऐसा करो। ये प्रारब्ध है। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हमारे संसार में हुए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होंगे। जो एक गांव के गरीब घर के लड़के थे, उनके बाप मामूली से ठेले की बिजनेस करते थे, आइसक्रीम बेचते थे, और उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। ये सब प्रारब्ध है। ये तो बिना मांगे मिल जाएगा। जो भगवान को माने चाहे ना माने, गाली दे, उसको भी मिलेगा, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म की कमाई है, उसको भगवान को देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते भगवान को तू हमको गाली देता है तो तुझको तेरा प्रारब्ध नहीं देंगे। हाँ, हमारा पिता ऐसा नहीं है, हमारी कमाई का फल हमको देगा। हम जो इस समय गड़बड़ कर रहे हैं उसका दंड भी देगा आगे, लेकिन पिछली कमाई का फल देगा। हमने बहुत दान किया है पहले, तो हमको उसका फल देगा। तो बहरहाल ये दोनों तो बिल्कुल निरर्थक हैं, इनकी कामना पूर्ति मांगने मांगने से नहीं होना है। हाँ, अगर मान लो, ध्यान दो, बाय चांस उसका प्रारब्ध है कि इस तारीख को तुम्हें बेटा मिलेगा,
और उसी समय हम गए तिरुपति मंदिर मांगने और लौट के आए और बेटा हो गया। ओ जय हो जय हो, सच्चे देवता है तिरुपति महाराज, हो गया धोखा। बेटा सीरियस बीमार हुआ, फिर तिरुपति गए, महाराज बेटा सीरियस बीमार है, आप ही ने बेटा दिया है, बचा लो। लौट के आए, पहले ही मर गए। अरे न कोई तिरुपति न तिरुपति, हमारे एक बेटा था वो भी मर गया, पड़ोसी के सात बेटे थे, आठवां हो गया, ये क्या भगवान का न्याय है। और सुनो, गाली दे रहा है। तो ये बाई चांस की बात है, वो हुआ है प्रारब्ध से, लेकिन वो समझ बैठा कि उनकी कृपा से हुआ, इसलिए वो प्रारब्ध से जब मरा तो समझ बैठा उनका कोप हो गया, वो नाराज हो गए। तो ये सब तो घपड़ सपड़ है। अब सुनो, दिव्य सकाम, भगवान से प्यार हो जाए 100%, संसार मन में ना रहे, हृदय खाली हो जाए, माँ बाप बेटा स्त्री पति सब कामनाएं फेंक दो और हरि गुरु आ जाए अंदर, अब भगवान से संबंध हो गया, अब भगवान से जो मांगेगा वो संसार नहीं मांगेगा, वो भगवान का सामान मांगेगा, उनका दर्शन मिले। यानी हमारी वो भगवान संबंधी कामना होगी, वो दिव्य कामना है, उसके लिए वो शास्त्र कहते हैं, जगत गुरुम भर्तृ बुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः, 10:90-27 भागवत। श्री कृष्ण को जिसने पति मान करके ही प्यार कर लिया, जैसे कोई विवाहिता स्त्री चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार कर लेती है, तो सुखदेव परमहंस कहते हैं उसके समान किसका भाग्य है, उसने श्याम सुंदर को अपना प्रियतम मान लिया। यानी भगवान संबंधी सकाम भी वंदनीय है, क्योंकि उसका फल गोलोक, तब कुब्जा वगैरह गोलोक गई। शुद्ध वस्तु से हमारा टच हो जाए, हम शुद्ध होंगे। ये लोहा है, ये पारस है, प्यार से छुआ दो सोना बनेगा, गुस्से में लड़ा दो सोना बनेगा, जान के जहर पियो मरोगे, अनजाने में कोई पिला दे मरोगे। ये सकाम है। अपने सुख के लिए श्याम सुंदर संबंधी विषय चाहना, लेकिन ये भी ठीक नहीं। अंतिम सुनो, गोपी प्रेम, श्याम सुंदर के सुख के लिए उनका दर्शन चाहते हैं, ताकि उनकी सेवा करके उनको सुख दे, ये कामना अगर है ये निष्काम है। फिर से सुनो, श्याम सुंदर का दर्शन चाहते हैं, अरे वो नहीं चाहोगे तो फिर क्या रहा, 0/100, फिर तो संसार चाहोगे,
एक एरिया तो चाहना पड़ेगा। तो अगर श्याम सुंदर का दर्शन हम चाहते हैं, चाहना पड़ेगा, तो ये परम सौभाग्य है, और सौभाग्य का भी सौभाग्य है। लेकिन उसमें दो सेक्शन है, एक तो अपने सुख के लिए, उनको देखेंगे कितने सुंदर है, उनका स्पर्श करेंगे, ये सब कामना अपने सुख की हो, ये सकाम हो गया, उनको सुख देंगे, ये उद्देश्य है, ये निष्काम अंतिम। इस लक्ष्य को लेकर जो चलता है वो कभी गिरेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि हम श्याम सुंदर को रोकर पुकारते हैं, दर्शन दो। वो चोरी चोरी देखते हैं, अभी नहीं देंगे। तो अगर हमारी सकामता है तो हमारा प्यार घटेगा। अजी साहब, शास्त्र वेद बेकार है, कहीं भगवान भगवान नहीं मिलते, हम खाए न खाए इतने साल से परेशान है, रो रहे हैं, तो हट गया उसका। और अगर ये भावना है, अरे बड़ा छलिया है, वो हमारी परीक्षा ले रहा है, अरे मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, बताओ तुम, ये निष्कामता है, जो गौरांग महाप्रभु ने कहा था, आश्लेष्यवा पादरताम पिनट्टुमाम। हे श्याम सुंदर, चाहे मेरा आलिंगन करके प्यार दे दो, और चाहे कुचल दो, मार दो, और चाहे उदासीन हो जाओ, तुम्हें जिसमें सुख मिले वो करो, मैं तो बस प्यार करूंगा, तुम्हारा व्यवहार नहीं देखूंगा, क्या व्यवहार कर रहे हो, उल्टा कि सीधा। ये रसिक और रसिक शेखर दोनों, यानी भक्त और भगवान, बड़े ऐने बैने होते हैं, उल्टा व्यवहार करते हैं और भीतर से कृपा और प्यार करते हैं, और हम धोखे में पड़ जाते हैं। अहे दिव गति प्रेमणा, जैसे सांप चलता है ना टेढ़ा, लेकिन बिल में घुसता है सांप सीधा, तो बिल तो कोई टेढ़ी होती नहीं, बिल तो चूहा बनाता है, सांप बना नहीं सकता, और उसको घुसना है कहीं, छुपना है तो सीधे घुस जाता है, लेकिन बाहर सीधा नहीं चल सकता, हमेशा टेढ़ा चलेगा। तो महापुरुष की बात भी और भगवान की बात भी सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते। जारो चित्ते कृष्ण प्रेमा करो ये उदय, तारो वाक क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे, बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस नहीं जान सकते। तो ये सकाम निष्काम का संक्षिप्त रहस्य है।